नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, आज दूसरा दिन है और बीजेपी के ओर से बड़ी तैयारियां की जा रही है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के मरीन ड्राइव पर और वो तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, जिस तस्वीर को देखकर आप समझ जाएंगे कि जो ट्रैफिक नियम होता है वो आखिरकार क्या बीजेपी के नेताओं के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए मान्य नहीं होता है। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पटना के मरीन ड्राइव की तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगभग 1000 के करीब गाड़ियाँ हैं और गाड़ियों पर युवा जो हैं बैठे हुए हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं और हाथों में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी है। आप समझ सकते हैं कि ये सभी लोग एक रैली में शामिल होने जा रहे हैं और ये रैली बीजेपी का है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर अलग अलग नेता अपना दम दिखा रहे हैं, लेकिन पटना के मरीन ड्राइव की ये तस्वीर सवालों से घिरी हुई है। ये सवाल इसलिए है, क्या मरीन ड्राइव पर उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, उन बीजेपी के नेताओं का इतना ज़्यादा वैल्यूएशन है, इतना ज़्यादा बड़ा कद है कि ट्रैफिक नियम उन पर फॉलो नहीं होता है, लागू नहीं होता है? ये तस्वीर पटना के मरीन ड्राइव की है और ये तस्वीर बस यही कह रही है कि जो ट्रैफिक नियम है वो सिर्फ आम लोगों के लिए होता है, जो ट्रैफिक नियम है स्कूल जाने वाले, कोचिंग जाने वाले छात्रों के लिए होता है, दफ्तरों में जाने वाले लोगों के लिए होता है, अस्पताल जाने वाले लोगों के लिए होता है। इसी पटना की तस्वीर आपने देखी होगी, किस तरीके से कोई अस्पताल में इलाज कराने जाता है, अगर उसका हेलमेट एक छूट जाए तो उसको किस तरीके से यातनाएं सहनी पड़ती है। हमने तो वो भी तस्वीर देखी और आपको दिखाई भी है कि पुलिस लाठियां चटकाती है, फाइन वसूले जाते हैं। लेकिन क्या ये ट्रैफिक नियम सिर्फ आम लोगों के लिए है, बिहार के उन आम जनता के लिए है जो सिर्फ अपने काम, अपने व्यस्तता में रहते हैं, या फिर बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, उन बीजेपी में काम करने वाले युवाओं के लिए भी है जो रैलियों में हजारों की संख्या में जाते हैं, हाथों में सिगरेट, लहरिया कट बाइक, और आप तस्वीरों में तो देख ही रहे होंगे, हाथ में झंडा भी है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। और मरीन ड्राइव पर ये जो रैली है, इस रैली में हजारों की संख्या में जो युवा मौजूद हैं, इनके लिए ट्रैफिक नियम का वैल्यूएशन कितना है, ट्रैफिक नियम इनके लिए कितना मान्य है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से खूबसूरती की तस्वीरें दिखती है, उन खूबसूरती की तस्वीरों के बीच ये जो तस्वीर है आज इसलिए सवालों से घिरा हुआ है क्योंकि इसी पटना में ट्रैफिक को लेकर बड़े बड़े नियम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को फंसाए जाते हैं और बड़े बड़े लोगों को बचाए भी जाते हैं। पटना की आम जनता ट्रैफिक नियमों को लेकर हमेशा चिंतित दिखती है, हालांकि जो ट्रैफिक नियम बनाए जाते हैं वो लोगों के रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप घर से हेलमेट पहनकर निकल जाते तो आपका कद छोटा नहीं हो जाता। बीजेपी के जो रैली में आज जो युवा शामिल थे उनसे ये हम कहना चाहते हैं कि अगर ट्रैफिक नियम को फॉलो कर लेते, अगर इन नारेबाजी के बीच आपके पास अगर हेलमेट होती तो आप समझ लीजिए पूरी तरीके से सुरक्षित होते, लेकिन अगर किसी भी तरह का हादसा हो जाए तो आप खुद उस हादसे को दावत दे रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।